ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इंस्टाग्राम चैट पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं मेरा फ्रेंड को कोई भी फ़ोटो, कोई भी वॉइस, कोई भी चैट कर सकता हूँ। बट मान लीजिए मेरे फ्रेंड को इंस्टा चैट पर कोई भी ऑडियो फाइल को सेंड करना चाहता हूँ तो वो किस तरीके से कर सकता हूँ? हालांकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है ऑडियो फाइल सेंड करने के लिए। तो किस तरीके से अपने फ्रेंड को कोई भी ऑडियो फाइल को सेंड करना चाहते हो इस वीडियो पर बहुत ही इजी तरीके से दिखाने वाला हूँ। बट यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, एक ट्रिक मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही इजी तरीके से। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मिनिमाइज़ कर लेता हूँ इंस्टाग्राम को और मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल को। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है WE, ठीक है, और कुछ इस तरीके से स्पेस देने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है ट्रांसफ़र, ठीक है। ट्रांसफ़र टाइप करने के बाद कुछ इस तरीके से यू वाला वेबसाइट आ जाएगा। इस वेबसाइट को कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है जो फर्स्ट में आ जाएगा। इस वेबसाइट को देख लो, कुछ इस तरीके से यू वेबसाइट आ जाएगा। तो इस वेबसाइट को मैं कुछ इस तरीके से ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल कर देना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आई जस्ट वांट टू सेंड फाइल, यहाँ पर आपको टच कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो सेंड ए फाइल, यहाँ पर आपको टच करना है। करने के बाद यहाँ पर प्लस के आइकन पर टच करो, ठीक है, और यहाँ पर फाइल पर टच कर दो। अब देखो आप अपने फ्रेंड को किस ऑडियो को सेंड करना चाहते हो उस ऑडियो को आप सिलेक्ट करना होगा, जिस ऑडियो को आप सेंड करना चाहते हो। तो मैं इस वाले रील्स ऑडियो को सेंड करना चाहता हूँ तो उसको मैं कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर दिया है। करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट का, तो यहाँ पर आपको टच कर देना है। करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा गेट ए लिंक, यहाँ पर आपको टच कर देना है कुछ इस तरीके से, और पूरा प्रोसेसिंग लेगा ये, जब तक 100 कंप्लीट नहीं होगा वेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस ऑडियो का लिंक कॉपी करके दे दिया है, यहाँ पर आपको कॉपी लिंक पर टच कर देना है। उसके बाद में कुछ इस तरीके से बैक आ जाओ, फिर से आ जाओ इंस्टा पर और आप जिस फ्रेंड को सेंड करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद में यहाँ पर मैं प्रेस कर दूंगा कुछ इस तरीके से उस ऑडियो का लिंक को और यहाँ पर सेंड पर टच कर दूंगा। कुछ इस तरीके से इस ऑडियो का लिंक सेंड हो गया है। तो ये मेरा दूसरे वाले आईडी पर मैं सेंड किया है, तो मैं जिस आईडी को ऑडियो को सेंड किया है उस आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। अब उस लिंक के ऊपर कुछ इस तरीके से टच कर देना है, अपने फ्रेंड को बोलना कि उस लिंक के ऊपर टच कर। करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर आई एग्री पर टच कर देना है। करने के बाद ओके पर टच कर देना है और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से टच कर देना है। ये वाला ऑडियो आप बहुत ईजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप कोई भी ऑडियो को इंस्टा चैट पर सेंड कर सकते हो, अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल है तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।